करेंगे, वापस हम हमारी फर्स्ट फिंगर को थर्ड आई पे लगाएंगे, ठीक है। यहाँ आपको ये सब आपको पता है, लेकिन उसके बाद जब मैं बोलूंगी कि कप योर हैंड्स, अपने हाथों को ऐसे कप करना है, ठीक है, जैसे आप कुछ चीज रिसीव करने वाले हो, ठीक है। तो आप जब थर्ड आई पे जाएंगे, आप नथिंगनेस में होंगे, जहां पे कुछ नहीं होता, जहां पे सिर्फ आप फोकस रहेंगे। उसके बाद जब मैं बोलूँ आप कप हैंड, आपने हैंड्स को कप कीजिए, तो आप ऐसे कप करेंगे, एंड उसके बाद हम हीलिंग को आगे लेके जाएंगे, जो भी रिलीज करना है वो हम रिलीज करेंगे, ठीक है। तो पहला एक्सपीरियंस इसमें हमारा होगा नथिंगनेस का। भले ही आपने ये पहले कर चुका है, बट आपका फोकस अभी भी वो फिंगर और आपका फोरहेड ही होगा। पर इसमें मैं कुछ और भी ऐड करूंगी, तो आपको किसी को भी आप करा भी सकते हैं ये छोटा सा मेडिटेशन टू रिलीज समथिंग जो ऊपर ऊपर से आपको दिक्कत दे रहा है, ठीक है। तो और पानी आपका तैयार रहना चाहिए इसके बाद, ठीक है। सो क्लोज योर आईज, breathe in and breathe out. Just center yourself, feel your body, feel all your chakras, feel your feet, and now feel your heart. Breathe in and breathe out. अब अपनी फर्स्ट फिंगर को अपने फोरहेड पे रखिए और आपका फोकस केवल आपकी फिंगर है, और फोरहेड पे रखने के बाद आपको कैसा फील होता है? आपकी फिंगर आपको ज्यादा गर्म लगती है या आपका फोरहेड आपको ज्यादा गर्म लगता है? बस वही थॉट में रहिए आप। और अपनी ब्रीथ पे ध्यान रखिए और फिंगर पे अपना चेक रखिए, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। आपकी बॉडी में कोई भी पेन, कोई भी सेंसेशन, कोई भी थॉट, कोई भी प्रॉब्लम जो भी आपके मन में आ रही है, उसको आप अपने मन में रखिए, उसको सोचिए, उसको देखिए। अब अपनी फिंगर को नीचे कर लीजिए, पुट योर फिंगर्स डाउन नाउ, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हमेशा ही होती है, चाहे वो बहुत छोटी हो या बहुत बड़ी हो, दोनों चीजों को, किसी को अपना घर सेल करना है, किसी को घर खरीदना है, आपको कोई प्रॉब्लम है किसी से, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आपको मनी ब्लॉकेज है, तो अब आप अपना हाथ नीचे करके अपने हाथों को कप कर सकते हैं। और वो जो समस्या है, आपके जो इश्यूज अभी चल रहे हैं, उसको आप देखिए अपनी बॉडी में उसका सेंसेशन कहाँ पे। जब आप इस चीज को सोच रहे हैं, आपकी कोई भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम को सोच रहे हैं, आपकी फिजिकल बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, आपके घर के आसपास कोई प्रॉब्लम है, आपके घर में कोई चीज खराब हो गई, हर चीज की प्रॉब्लम आपकी बॉडी में है, वो बॉडी का पार्ट आपको खुद बताएगा कि मैं यहाँ हूं, मेरी एनर्जी यहाँ स्टोर है, तो वहां पे फोकस कीजिए। उसको एक शेप दे दीजिए, जैसे हमने कल लिया था ना, ऐसे ही एक शेप दे दीजिए उसको, राउंड, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, या बिना किसी शेप का भी हो सकता है। उसका टेक्सचर देखिए, कपड़े जैसा है, पत्थर जैसा है, कोई स्मूथ चीज है, जो भी है, आप उसको एक शेप दे दीजिए, उसका टेक्सचर दे दीजिए,
थोड़ा टाइम लगाइए, उसको अच्छी तरह महसूस कीजिए एनर्जी को आपकी बॉडी में, और उसको एक शेप और एक टेक्सचर दे दीजिए कि वो कैसा दिखता है। उसका कलर कैसा है? उसका कैसा स्मेल आपको फील हो रहा है, या इसमें कोई स्मेल है या नहीं है? अगर कोई स्मेल है तो उसको भी फील कीजिए। आप उसको कैसा टेस्ट आपको आ रहा है उसका, वो भी आप फील कीजिए। वो जब स्मेल, टेस्ट, कलर, टेक्सचर, शेप जब आपको सब दिख रहा है अभी, तो आप फील कीजिए कि ये आपको कैसी फीलिंग आ रही है उससे। और जो हैंड्स आपने कप किए हुए हैं इस समय, वहां पे गोल्डन लेयर आ चुकी है आपके हाथ में, एक जैसे गोल्डन कलर का आपने बाउल पकड़ा हुआ है, जिससे आपको उस एनर्जी की कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी या कोई भी चीज उसमें जाएगी तो वो आपको दोबारा वापस नहीं आएगी। वो उस तरह का डिवाइन बोल है। तो धीरे धीरे उस एनर्जी को इस कटोरी में आने दीजिए, इस बोल में आने दीजिए। सारा धीरे 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 वो आपकी बॉडी से निकल के आपकी कटोरी में आ रही है। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, किसी की एनर्जी बहुत ज्यादा भी हो सकती है बॉडी के अंदर, किसी की एनर्जी बहुत कम भी हो सकती है, पर उसको बहुत आराम से धीरे धीरे ही बोल में आने दीजिए। स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इज कमिंग टू योर हैंड एंड यू कैन सी दैट इट इज गोइंग टू बी देयर एंड लाइक अ हीप, एक पूरा ढेर बन जाता है ना एनर्जी का। तो इस बोल में आप कितना भी एनर्जी डालेंगे वो सब उस बोल में जाके समा जाएगा, क्योंकि ये डिवाइन बोल है, इट्स वेरी मैजिकल। आपकी बॉडी के पेन, आपकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम, जो भी आपने सोचा है उसकी एनर्जी सब इसमें आ रही है। आप उसको ग्रेटिट्यूड दोगे कि अब आप जा सकते हो, मैंने आपको देख लिया, मैंने आपको समझ लिया, मैंने बहुत कुछ सीखा। और जो कुछ भी आपने सीखा है इससे आप अपने दिमाग में रखिए, अपने माइंड में रखिए कि आपको क्या लगता है कि आपने जब तक ये प्रॉब्लम आपके साथ थी तो एनर्जी ने आपको क्या बताया, क्या करना चाहिए था आपको जो आपने नहीं किया। किसी को वो थॉट आएगा, किसी को नहीं आएगा, या किसी को बहुत बाद में भी आ सकता है, या हो सकता है 2 दिन बाद आपको समझेगा कि अच्छा ये मुझे करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया, ये मेरी लर्निंग थी। सो नो हरी, कोई जल्दी नहीं है किसी को जानने की कि अभी ही होगा। ये बहुत डीप मेडिटेशन है, ये बहुत डीप क्लेंसिंग है आपकी बॉडी की। तो आराम से उस बोल में आने दीजिए। अगर ये पूरा इकट्ठा हो चुका है अब तक, तो अब आप इसको इमेजिन कीजिए कि ये एक एनर्जी बॉल ये सूर्य की तरफ जा रही है। पूरा बॉल एनर्जी के साथ सूर्य की तरफ जा रहा है, और आपका इंटेंशन है कि ये बॉल सूर्य की तरफ जाएगा और ये एनर्जी सूर्य के पास जाके भस्म होके सूर्य की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो इट इज turning into the divine light with sunlight. So आप धीरे धीरे इस बोल को देखिए, ये ऊपर जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है,
एंड इट इज मर्जिंग विद सनलाइट एंड इट इज बिकमिंग प्योर एंड डिवाइन अगेन. अब जिस बॉडी के जिस भी हिस्से में ये एनर्जी स्टोर थी उसकी तरफ अब आप फोकस करेंगे. अपने हाथों को अपने उस बॉडी पार्ट पे रखेंगे. और आप बोलेंगे कि मैं इस बॉडी पार्ट को जो कि अभी खाली हुआ है इसको मैं डिवाइन लव से भरती हूँ. और वहां पे आप देखेंगे बहुत ब्यूटीफुल लाइट आकर के आपके हाथ में जा रही है. और वो पूरा जो एरिया है वो डिवाइन लव से भर गया है, वो लाइट से भर गया है. और आप फील कीजिए अब आपको कैसा लग रहा है. आपको ये सब अभी कुछ भी बोलना नहीं है. मेडिटेशन जैसे ही खत्म होगा, जैसे ही ये प्रोसेस खत्म होगा, आप आराम से धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे. महसूस करेंगे कि अब आपकी बॉडी के अंदर आपको क्या फील हो रहा है, क्या डिफरेंस आया है पहले और अपने, और क्या आपकी लर्निंग थी इस जर्नी में. तो अभी आप फ्री हैं, आप जब चाहे अपनी आंखें खोल सकते हैं. जो लोग ऑलरेडी आउट है, लाइक हुआ आउट ऑफ द मेडिटेशन, मतलब आ चुके हैं वापस, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं. बिकॉज इट्स अ वेरी डीप फीलिंग. आप अपने आप को कौन करेगा सबसे पहले शेयर? ओके, आई थिंक लिनी जी थी ना, उन्होंने हाथ उठाया था. हाँ जी प्लीज. हाँ बोलिए मैम. मुझे बैक में पेन हो रहा था. व्हेन आई वाज कंसंट्रेटिंग वो बैक में पेन हो रहा था. देन बाउल में डाल दिया, देन बेच दिया. बट आफ्टरवर्ड्स पेन बहुत कम हो गया है. आई थिंक स्लाइट ऐसा नहीं, डॉट ऐसा फील होता है, नॉट दैट पेन. व्हेन कंसंट्रेट कर रहे थे पीछे था, थोड़ा इस साइड में आ गया था. देन इट अगेन एंटायर थिंग केम टुगेदर. देन बाउल में डाल के बेच दिया तो अभी क्या होता है, ठंड फील हो रहा है. यू आर फीलिंग बेटर, लाइक यू आर फीलिंग कूल. वो जो बटन हीट एनर्जी होती है, एक्चुअली एक ही कारण होता है सबकी बॉडी में डिजीज क्रिएट होने का, हीट. जितना आपका बॉडी कूल रहेगा उतना हीट कम रहेगा. जिनकी बॉडी में टॉक्सिसिटी ज्यादा होती है उनको गर्मी ज्यादा लगती है. ट्रू. सो आपको ठंडा लग रहा है, इसका मतलब वहां पे हीलिंग हो चुकी है. और आपने वो जो लाइट अनकंडीशनल लव डाला, ऐसी कोई भी आप मॉडलिटी करते हैं, कोई भी चीज आप रिप्लेस जरूर कीजिए उसको. मतलब चाहे कुछ भी करें आप, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि क्वांटम एक ऐसी मॉडलिटी होने वाली है. आपको मैं खुद पूछूंगी एक पॉइंट पे कि कौन सी चीज को आपको क्वांटम के थ्रू करना है, कौन सी मॉडलिटी को. एंड आई विल शो यू हाउ इट मेक इट इजी. बट फर्स्ट, पहले आपको वो सब आना भी जरूरी है. आपको रेकी आना जरूरी है, आपको बात फ्लावर आना जरूरी है ना, आपको वो पता होना जरूरी है. ठीक है, और यहाँ पे क्या टेक्निक फॉलो करेंगे वो आपको पता होना जरूरी है. ठीक है, और उसके बाद क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी. तो एक क्वांटम, केवल आपको क्वांटम ही नहीं करना है, आप इसको किसी भी जगह किसी भी मॉडलिटी के साथ आप वाइजली इस्तेमाल कर सकते हैं. यू कैन यूज इट वाइजली, यू नो, इसके बहुत सारे फायदे हैं. ठीक है, और कोई जिसका कोई एक्सपीरियंस? थैंक यू मैम. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. वेलकम.
आपको शेयर करना था आप? Yes, ma'am. I had a little back pain from past 2 days. Uh-huh. That is completely gone and it's completely cool and light. I'm feeling totally light. Very nice. Actually, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना इसमें, आपको मेडिटेशन भी नहीं करनी होगी. ये तो मैं आपको उस एनर्जी में सेट करने के लिए मेडिटेशन करा रही हूँ कि आपकी खुद के ब्लॉक्स निकल जाए. तो आगे मेडिटेशन भी नहीं करना है आपको. यस, हम लोग करेंगे, लेकिन उसके पर्पसेस और बड़े बड़े होंगे, यू नो, कुछ अलग चीजें होंगी. तो ये तो आपके खुद के सारे ब्लॉक्स निकले, आप उस एनर्जी में आए, आप थोड़ा ओपन अप हो जाए, उसके लिए ये सब मेडिटेशंस करें. अभी और आगे और भी मिरेकल्स होने वाले हैं. And so whatever I was thinking, back में जब पेन आती है तो कुछ सपोर्ट का डाउट होता है ना हमें. Yes. Usually in Reiki and all we say that, right? Yeah. So the I got a message that the universe is backing me up, so there's nothing to work out. Wow, this was your learning lesson. Yes, great. Actually, this is the thing which we need to learn through this process. Yeah. So even जब आप सीखेंगे actually quantum में, जब आप quantum waves बनाना सीखेंगे, quantum field बनाना सीखेंगे, तो वहां पे आप पूरा केस लेंगे. तो एक दिन हम उसमें लेंगे कि how you will take cases, कैसे केस लेना है, कैसे उसको हीलिंग करना है, इवन कैसे उनसे बात करना है, ये सब कुछ हम इसमें डिसाइड करके फिर करते हैं. ठीक है, तो आई एम वेरी हैप्पी. और किसी को कुछ शेयर करना है? थैंक यू मैम. वेलकम. थैंक यू. यस मैम. यस यस. हाँ मैम, जब मैंने मेडिटेशन शुरू किया तो मैं अपने लेग्स पे कंसंट्रेट कर रही थी कि वहां पर पेन है जी. पर क्या हुआ कि एकदम से पता लगा कि लेग्स में नहीं, मेरी हेड के बैक में पेन है. yes. तो जब मैं उस पे वो, जब मैं उसको शेप दे रही थी तो मुझे एक कुछ हल्का सा इंसिडेंट दिखा, जैसे वो हाईवे का था. हाईवे का कोई इंसिडेंट दिखा हल्का सा. और फिर उसके बाद मैम अभी मुझे भी काफी कूल लग रहा है मैम, ठंडा ठंडा लग रहा है और अच्छा लग रहा है. वेरी नाइस. थैंक यू सो मच. वो बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, कोई डोर बेल बचा रहा था इसलिए. तो एक्चुअली जब हमने स्टार्ट किया ये फिंगर टैपिंग करते टाइम, तो तभी से मुझे एकदम कूल वाइब्रेशंस और कूल ब्रीदिंग आ रही थी. अभी भी फील हो रहा है वो कूलिंग ब्रीदिंग. लेकिन फिर बाद में जब हमने, जब भी कोई मतलब इमोशनल हर्ट होता है तो बैक ऑफ द हार्ट चक्रा में मुझे बहुत पेन होता है, तो मैं ठीक से बैठ भी नहीं सकती थी, इतना मुझे पेन हो रहा था तभी. okay. तो फिर वो हाथों में लिया, फिर हमने सारा कुछ सनलाइट सूर्य को अर्पित किया, लेकिन फिर भी उस टाइम थोड़ा मुझे रिलीज हुआ. लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत मुझे वो बैक ऑफ द हार्ट में थोड़ा पेन हो रहा है. okay. तो हम क्या करेंगे, आज थोड़ा तो रिलीज हुआ, करेक्ट? हाँ, नहीं, जब हम मेडिटेशन कर रहे थे, जब आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया उसी समय मुझे वो बैक ऑफ द हार्ट में, जब आपने बोला कि जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उसको आप बाउल में ले, तो तभी मुझे शुरू हुआ, मतलब कि हमारा कंसंट्रेशन हमने वहां पे फोकस किया, तो वो मुझे फील हुआ कि बैक ऑफ द हार्ट में मुझे जब भी कोई भी इमोशनल हर्ट होता है तो मुझे वहां पे 100% पेन होता ही है. लेकिन धीरे धीरे मेडिटेशन करते टाइम वो कम हो जाता है, लेकिन आज थोड़ा पता नहीं ज्यादा मतलब है. तो फिर वो, सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर इज मेबी यू आर ब्लॉकिंग योरसेल्फ टू गिविंग समथिंग टू समबडी. लाइक एक होता है ना, हमारे को देने का गिविंग क्या होता है, आगे से रिसीविंग होता है, पीछे से उसका प्रोसेसिंग होता है. लाइक यू नो, जब कोई चीज कंप्लीट हो जाती है, जो कोई डिजायर कंप्लीट हो जाती है, तो बैक चक्रा के थ्रू वो एनर्जी सर्कुलेट करती है ना हमारी बॉडी में. जैसे मुझे मुझे एक बैंगल चाहिए, आज वो मुझे मिल गया तो मेरा बैक हार्ट चक्रा स्पिन करेगा, अच्छे से घूमेगा, यू नो, मेरी डिजायर पूरी हो गई. तो कौन सी ऐसी डिजायर है आपको वो देखना है जो नहीं पूरी हो रही है, या जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है,
वो आप जब रिलीज करेंगे तो बैक का आपका जो बैक है बैक का चक्र क्लियर हो जाएगा. ओके ओके. मुझे कुछ लगा आपका वो टाइम पे भी कि कुछ तो है. मैं बैठ नहीं सकती थी, मुझे वो इस तरह से थोड़ा अप डाउन करना पड़ रहा था तो तभी मुझे थोड़ा बैठने. यस यस मैम, थैंक यू सो मच. थैंक यू. और मैम कूलिंग इफेक्ट तो मुझे पहले से ही, जब से हमने ये शुरू किया मेडिटेशन तो तभी से कूल ब्रीथ तो मुझे कंटिन्यूअसली अभी भी फील हो रहा है. लेकिन पसीना भी फिर बाद में थोड़ा आया निकला, लेकिन वो कूलिंग इफेक्ट तो वो ब्रीदिंग वाली तो पहले से हो रही थी. मतलब ये तो फिर बाद में जब हमने आगे प्रोसेस किया तो फिर ये मेरा उसके बाद का एक्सपीरियंस है. ओके. तो मैं यहाँ पे आपको तो यही बोलूंगी जो मैंने आपका देखा भी सुना कि कुछ तो है जो आप अपने आप को रोक रहे हो देने के लिए. रिसीविंग तो आपकी हो रही है लेकिन उसको आप वापस सर्कुलेट नहीं कर पा रहे हो. तो क्या ऐसा है जहाँ आपने आपको अपने पकड़ के रखा हुआ है तो आपका बैक चक्रा में वहां पे स्टक हो गया है. तो वो आप कभी बैठेंगे तो सेम प्रोसेस कर सकते हैं, या कभी जैसे बीच बीच में हम ये करते रहेंगे एक एक बात. तो अगर किसी का कोई प्रॉब्लम, क्योंकि क्या होता है जब भी आप अपनी साधना में होते हैं, जब आप किसी मॉडलिटी को सीख रहे होते हैं तो आपके इश्यूज भी बाहर आते हैं क्योंकि वो नॉलेज जा रही है ना यहाँ पे, तो बॉडी ट्रिगर करती है, फेंकती है बाहर कि ये नहीं चाहिए अब तुमको समझ में आ गया हटाओ उसको, है ना. तो वो चीज को हम बीच बीच में हम ये एक दो प्रोसेस ऐसे करते रहेंगे जिससे आपकी रिलीजिंग हो, सो दैट यू विल बी रेडी टू हील अदर्स. ठीक है, तो वो करेंगे. Thank you so much, ma'am. Thank you.